चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के वैक्सीन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना के महामारी के चलते हुए हमारे देश में एक वैक्सीन जो कि निकाला गया है सभी के लिए, जो कि उपलब्ध कराया गया है। तो अगर आप भी अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं, अगर आपको लेने नहीं आते, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कोरोना का वैक्सीन को कैसे आप ले सकते हैं और उसके लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद घर बैठे हुए अपने मोबाइल से। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए आप कैसे उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप से अपने कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। तो आप पूरा एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कोरोना के वैक्सीन को कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप तक वो मिल सकता है। तो आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। तो चलिए हम ब्राउज़र ओपन कर देते हैं। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पता है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना। तो चलिए हम ओपन कर देते हैं। हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है, सर्च करना है sarkarijobfind.com। आपको इतना सर्च करना है। जैसे सर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है, यहाँ आपको मिल जाती है, देखिए कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ देखिए आपको न्यू अपडेट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ आपको चौथे नंबर पे यहाँ मिल जाती है आपको कोरोना वैक्सीन यहाँ आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021 एज 18 से स्टार्ट। आपको 18 एज होना चाहिए तभी आपको होगा ये। आज लिमिट एज आपको 18 पर स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह का फिर न्यू पेज खुलकर आ गई। हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे की ओर। स्क्रॉल करते हुए हम आ जाते हैं। तो आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। आपको यहाँ लिंक मिल जाती है, आपको एक ग्रीन वाली यहाँ लिंक मिल जाती है। ये आपको यहाँ मिल जाती है अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको मिल जाती है लिंक। तो आपको यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लोज पर क्लिक करना है। सी क्लोज पर क्लिक करते हैं तो आपको खुलकर आ जाती है। आने के बाद यहाँ आपको कह रहा है वी सेंड योर वन टाइम पासवर्ड फ़ोन नंबर। यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालना, जो भी आपको मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया, आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और डालने के बाद यहाँ आपको गेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। आपको ये OTP यहाँ आपको डाल देना है। चलिए हम यहाँ OTP अपना डाल देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है। तो मैं अपना OTP डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ अपना OTP जो कि डाल दिया। डालने के बाद यहाँ आपको फिर मिल जाती है वेरीफाई प्रोसेस। यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना है, वेरीफाई प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है योर कैन रजिस्ट्रेशन 4 मंथ विथ 1 मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन मेंबर्स। तो आपको रजिस्ट्रेशन मेंबर मिल जाती है। उसके बाद ये आपको पूरा यहाँ आपको टोल फ्री नंबर यहाँ आपको पूरा साथ मिल जाती है। तो ये आपको फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन मेंबर पर क्लिक कर देना है। मेंबर पर क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है फोटो आईडी प्रूफ। आपको आईडी प्रूफ देना है। आप क्या चीज़ देना चाहते हैं आईडी प्रूफ में, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। आपको फिर NPR सम्राट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको देना है। तो चलिए आप कोई भी एक कार्ड दे सकते हैं। तो मैंने चलिए आधार कार्ड ही दे देता हूँ। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, फिर ये कर नेम इज आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड जो भी नंबर है, सॉरी आधार कार्ड में जो नेम है आपको यहाँ टाइप कर देना है। आप मेल फीमेल अदर क्या चीज़ हैं, मेल हैं फीमेल हैं या अदर कोई चीज़ और हैं। तो मेल हैं तो आप मेल डाल सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हैं। तो हम चलिए मेल है तो मेल पर क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है ईयर ऑफ डेट इन आधार। ये आपको कह रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप सब फिल करने के बाद रजिस्टर पर जिस ही आप क्लिक करते हैं, आप रजिस्टर पर जिस ही क्लिक करते हैं तो आपको ये सक्सेसफुल हो जाएगा।
ये आपका जहाँ का एड्रेस रहेगा आपको उसी में उसी आपको एथी हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, या तो आपको नज़दीकी आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन जो कि आपके नाम पर हो जाएगा, आपके वैक्सीन आपके नाम पर आ जाएगी, तो ये आप ही को लगेगी। तो इसी तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर हमारा जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल फॉर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे कोई भी रिलेटेड लाइन तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप जान गए अच्छी तरह से। तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।